viewers, welcome to our segment Tuesday Treats, which is brought to you by All Pulse Light. और इस segment पे हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों की which is a treat to our taste buds, like desserts, like इस तरह की चीज़ें, मीठी मीठी चीज़ें. वैसे एक बात है, सिर्फ मीठी चीज़ें जो है सिर्फ वो ट्रीट नहीं होती हमारे टेस्ट बर्ड्स की, बहुत सारी चीज़ें हमारे टेस्ट बर्ड्स की ट्रीट होती है, लेकिन मिठास की जहाँ बात करते हैं उसका एक अलहदा ही कैटेगरी है. कुछ लोग के बहुत स्वीट होता है, उनको सारा वक्त मीठा खाना होता है फॉर सम रीज़न, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी खैर उन्हें फेस करने पड़ते हैं. लेकिन हम हेल्दी तरीके से मीठा कैसे खा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेफ आमिर साहब. इनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा मुझे बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, A1. तकरीबन शीर कुर्मा तो नहीं बनाया वो बेसिकली हम लोग को जब होटल में इतना अरसा काम किया था तो ईद तो हमारी सब होटल में ही होती थी. अच्छा, तो अभी ये पिछले 4-6 महीनों ये मेरा ख्याल है दूसरी ईद है शायद जो घर पे किए, तो वो फिर ईद की नमाज नहीं लगा अजीब सा लगा घर पे ईद. फिर नमाज वमाज पढ़ के आए और बस फिर सो गए ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर लें. और हमारी तो ईद यही ऐसी गुजरती है, बस सो के शाम में फिर बंदा वही रिश्तेदारों के यहाँ दोस्तों के साथ चले जाता है कहीं बाहर मिलने. आपने किचन में कुछ नहीं किया उस दिन? किचन में मैंने वैसे भी नॉर्मली इतना घर में करता नहीं हूँ. अच्छा. और क्योंकि एक तो अच्छा, घर में कौन खाना बनाता है? हम ये भी तो मालूम नहीं. घर में वालदा बनाती हैं और मेरी भाभी हैं, वो बनाती हैं. बस दो ही हैं खवातीन घर में, वो उन दोनों में से कोई एक जो है वो बना लेती है. अच्छा, जो वो खाना बना के लाते तो आप उनको कहते इसमें नमक ज्यादा है, इसमें चीनी थोड़ी कम है, इसमें काली मिर्च इतनी होनी चाहिए थी, इसमें लाल मिर्च कर... मैं आपको बताऊं, ये मैं नहीं कि मैं बड़ा वो अम्बल या काइंड बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप जाके पूछ भी सकते हैं मेरी मम्मी से. जब घर पे खाना होता है चाहे जैसा भी आए, कभी भूल जाते हैं नमक डालना, कभी क्या कुछ हो जाता है, कभी ऑयल ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ को, मैंने आज तक उफ नहीं की, मैं चुप करके खाना खा लेता हूँ. और वो जो मेरे बाकी जो भाई वगैरह हैं या वालिद साहब हैं वो फिर भी कह देते हैं यार इसमें ये नहीं है, वो कम है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बस कुछ फितरत ही ऐसी है कि जो सामने आ जाता है शुक्र अल्लाह का अदा करके खा लेता हूँ. अच्छा, जो एक बात है, पूरा सालन बन गया, पूरी ग्रेवी में नमक डालना भूल गए, तो फिर नमक किस वक्त डाला जाए? फिर नमक का वो टेस्ट ऊपर से छिड़क दे तो वो टेस्ट ही नहीं है नमक, वो टेस्ट नहीं आता. जब तक नमक थोड़ा सा कुक ना हो ना, पके नहीं, तो नमक का टेस्ट नहीं आता. और दूसरी बात यह कि अगर आप सारे मसाले ना डालें और आप सिर्फ नमक डाल देना तो आपके खाने में टेस्ट आ जाता है. हाँ, नमक एक ऐसी चीज है exactly. कि अगर आप नमक ना डालें बाकी सारे मसाले डालें तो आपको टेस्ट नहीं आता कभी भी. ठीक है, तो नमक जो है वो फिर ये होता है कि अगर आप भूल जाएं तो लास्ट में आप स्प्रिंकल ही कर सकते हैं, या अगर आपका ग्रेवी वाला सालन है तो ये आप थोड़ा सा पानी डाल के पका, पानी डाल के या उसी ग्रेवी को थोड़ी देर और 5-10 मिनट कुक कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा फ्लेवर जो है नमक का उसके अंदर वो इन्फ्यूज हो जाए. चलिए, ये तो नमक नहीं डाला तो हुआ, जब नमक ज्यादा डल गया तो क्या करें? नमक ज्यादा डल गया का एक बड़ी कॉमन सी टिप है, अब आजकल तो सब लोगों को मालूम होती है कि आटे की एक गोली बना के अगर आप उसको सालन के अंदर डाल दें, अगर आपका स्पेशली ग्रेवी वाला सालन है तो वो जो आटा है वो उसको सक कर लेता है जो नमक है, क्योंकि सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, सोल्यूबल है तो पानी में डिजॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो जब शोरबे वाला सालन होता है तो फिर उसके अंदर जब आप आटे की वो पेड़ा डालते हैं छोटा सा गोली, तो वो उसको सारे को आटे को एब्जॉर्ब करता है जो उसके अंदर. अच्छा, गोली डाल के क्या पकाते हैं थोड़ी देर? नहीं, आपने इसको पकाना नहीं है, क्योंकि जब आप सालन बनाते हैं फॉर इंस्टेंस, आपने जैसे चूल्हा बंद किया, आपने सालन निकाला और आपको लगता है कि इसमें नमक नहीं है, तो उसका टेम्परेचर इतना होता है कि अगर आप उसको 5 मिनट या 10 मिनट उसके अंदर छोड़ देंगे तो वो उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा सॉल्ट, फिर उस गोली को निकाल दें, एक्सेस सॉल्ट को, फिर आप उसको निकाल के जो है डिस्कार्ड कर दें. वो सिर्फ सॉल्ट लेगा, कोई और स्पाइस अपने साथ नहीं लेगा? कोई और स्पाइस नहीं लेगा, सिर्फ सॉल्ट लेगा. बड़ा चला गए. ये अल्लाह की कुदरत है ना. चलिए सही. अच्छा, कमिंग बैक टू द मीठा, एंड जिस तरह हम लोग आज का एक दिन भी एक सेलिब्रेशन की तरह होता है, जहाँ सेलिब्रेशन की बात होती है वहाँ मिठास तो ज़रूर होती है. तो एक बात मुझे बताइए कि लंच और डिनर इन दोनों में बेस्ट कौन सा मील है जिसके साथ मीठा लिया जाए? अच्छा, लंच और डिनर में कौन सा बेस्ट मील है? मेरे हिसाब से अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दोपहर में अगर आप सिर्फ थोड़ा सा खाना ही खा लें तो वो इनफ हो जाता है आपके लिए. आपका दिल चाहता है आप या तो पानी पीते रहें, मानिए वाटर इनटेक आपके साथ ज़्यादा होता. शाम को ये होता है कि आजकल जो मौसम चल रहा है कराची में थोड़ा सा बेटर हो जाता है मौसम, तो शाम के खाने में अगर थोड़ा सा मीठा हो तो मेरे हिसाब से बेटर है. या फिर आप शाम की चाय पे, शाम का खाना कब खाते हैं? शाम का खाना एक और खाना है, वैसे 8-9 बजे रात को वो है. आई मीन वैसे बेसिकली अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको शाम में ही खाना खाना चाहिए, और आपको खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, थोड़ा काम करना चाहिए, मतलब काम मीन्स के थोड़ा एक्टिविटी बनना चाहिए, उसके बाद आपको सोना चाहिए. हम लोग क्या करते हैं, रात को 12 बजे घर जाते हैं, बैठ के खाना खाते हैं वहीं अपने टेबल पे, और वहीं से उठते हैं, कभी कभी तो बिस्तर पे भी खा लेते हैं, और वहीं जो है हम सो जाते हैं.
फिर हम लोग कहते हैं जी कि हम वो नहीं है, हेल्दी नहीं है, हमारी सेहत अच्छी नहीं होती है, और हम वॉक करें और हम डाइट करें, और तो बहुत सारी चीज़ें। मैं पहले लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ता है हेल्दी रहने के लिए। सिर्फ ये नहीं होता कि आप खाते जाएं तो आप हेल्दी हो जाएंगे। तो या फिर आप शाम की चाय के साथ कोई मीठा, कोई स्नैक्स, कोई अच्छे सा कोई स्वीट स्नैक्स या कोई भी इस किस्म की चीज़ बना के खा सकते हैं। अच्छा, ये मीठा, अच्छा जो हम कॉमन सी चीज़ पे से आते हैं, चाय में जिस तरह मीठा चीनी डलती है, ठीक है, कहते हैं हसबे जायका, ठीक है, बट एक 250 मिलीलीटर के जिस तरह एक कप है, ठीक है, इसमें कितनी चीनी अप्रोप्रिएट रहती है? अच्छा। कुछ तो बिल्कुल भी नहीं डालते, लेकिन जो अप्रोप्रिएट अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए? हसबे जायका चीज़ नहीं, हसबे जायका हम पे छोड़ दिया तो हम तो बिल्कुल ही वो हैं, अब जो भी हमारे दिल में आएगा करेंगे, फिर अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे, इसलिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपने कहा 250 ml इज बेसिकली, अगर आप उसको ग्राम्स में करो तो एक पाव होता है, ठीक है, 250 ग्राम्स होता है, लेकिन ml में और ग्राम्स में भी डिफरेंस होता है, हम तो यहाँ सबको एक ही लेते हैं, लेकिन अगर एक नॉर्मल, अरे जब हम दूध एक किलो लेकर आ सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल जो कप है उसमें 250 नहीं होता, 200 220, किसी में 180, डिफरेंट कप्स होते हैं, आपको पता है कप्स के साइजेस और शेप्स डिफरेंट होती है। तो मेरे हिसाब से जो एक्यूरेट चीनी है वो एक चाय का चम्मच चीनी जो है ना, दैट्स इनफ। क्योंकि अभी वो चाय के चम्मच, अभी मैं कहीं ईद के दिनों में किसी रिलेटिव के पास गया था, तो वो काफी सीनियर सिटीजन है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शुगर के बारे में मुझे कुछ, मैंने कहा हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर हमने चीनी खा ली तो हमने शुगर खाया, हमने केक खाया, मीठा खाया तो हम शुगर खाया। शुगर इज एवरीवेयर, आप और भी बहुत सारे, आपकी वेजिटेबल्स में भी शुगर होती है, आप कैरेट्स खाते हैं उसमें भी शुगर होती है, ठीक है, आपके अनियन में भी शुगर का कंटेंट होता है, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं होता कि आपको वो पता चले कि, लेकिन उसके अंदर शुगर का कंटेंट होता ही है। फिर जब वो ब्रेकअप होता है, इतनी मीठी मीठी बात हो रही है, इतनी मीठी बातों में कितना शुगर का कंटेंट है, इतनी मिठास हो गई है कि मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है।